गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस, दिस क्लास इज फॉर क्लास ट्वेल्थ और इसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है द थर्ड लेवल इसके दो पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर फोर से ये विस्टाज बुक जो है आपकी ट्वेल्थ में दो बुक्स लगती है ना उनमें से एक का नाम है विस्टाज ठीक है और दूसरे का नाम है फ्लैमिंगो ये विस्तार जो बुक है उसके उसका जो है फर्स्ट चैप्टर है और फोर्थ जो पेज है वो हम वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले हमने ये पढ़ा कि जो राइटर है वो ये कह रहा है कि हालांकि न्यूयॉर्क के सेंट्रल स्टेशन में दो ही लेवल हैं एक ऊपर वाली ट्रेन जो चलती है पुरानी ट्रेनें जहाँ चलती हैं और उसके नीचे जो सब वे है वहाँ पर जो मेट्रो टाइप जो सब वे चलती हैं वो तो कहता है लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि तीसरा लेवल भी है और मैं तीसरे लेवल पे जा चुका हूँ फिर वो बताता है कि कैसे मेरा दोस्त जो है साइकेट्रिस्ट वो कहता है कि मैं रियलिटी से जो है वो भाग रहा हूँ इसीलिए मैं इसको एज एस ए स्केप यूज़ करके जो है वो ऐसा ऐसी चीज़ें सोचता हूँ और ऐसे ख्याल तखयल करता हूँ ठीक है और फिर वो बताता है कि मैं आपको बताऊँ कि आ, मैं जब एक रात जो है वो काम कर रहा था लेट और फिर जब मैं फारग हुआ तो अचानक जो जल्दी मैं जो है मैंने ये सोचा कि ये डिसाइड किया कि मुझे उसके बजाय बस के बजाय सबवे का इस्तेमाल करना चाहिए ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उससे मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा अपनी बीवी लोईजा के पास और फिर वो कहता है कि जो ही मैं पहुंचा सेकंड लेवल की तरफ वहाँ से आगे मैं जो है रास्ता भूल गया और मैं जहां पहुंचा वो कोई अजीब सी जगह थी लगता तो मुझे वो भी सेकंड लेवल था लेकिन उसके कमरे छोटे थे वहाँ पे जो लाइटें थी वो गैस लाइट्स थी और जो बूथ था इन्फॉर्मेशन बूथ वो वुड का बना हुआ था अब उसी के बारे में ये बता रहे हैं आगे कि और उस में उस लेवल में क्या क्या था देर वर ब्रास पिटूनस ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्राम हिज वेस्ट पॉकेट He snapped open the cover, glanced at his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black four bottom suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate, she wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. Back of her out on the tracks I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier, and Eve's कहते हैं कि देर ब्राउप ऑन द फ्लोर वो जो लेवल था जिसको मैं सेकंड लेवल समझ रहा था वहाँ पे ब्रास के स्पीटोन्स रखे हुए थे ब्रास जो uh, होता है एक uh, समझ लो uh, लोहे के साथ कॉपर को मिला के एक लोहे बना जाया जाता है उसको बोलते हैं ब्रास तो ब्रास के बने हुए जो है स्पिटोन्स थे स्पिटोन्स क्या होता है थूकदान ठीक है जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में किसी में पान के थूकने के लिए एक वो बनाया होता है ठीक है तश्तरी जैसे जिसमें हम हाथ धोते ना उस टाइप का कुछ था वो रखा हुआ था फ्लोर पे एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई और स्टेशन के अक्रॉस यानी थोड़ी ही दूर उसी स्टेशन पे एक लाइट जो है वो मेरी आँख में पड़ी और Uh, मेरा मेरा ये टेंशन उस तरफ हो गई मैंने देखा अ मैन वॉज़ पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्राम हिज वेस्ट पॉकेट मैंने देखा कि एक आदमी जो है वो अपनी वेस्ट यानि जो वास्कट जिसको बोलते हैं अपनी वास्कट के जेब में से एक गोल्ड की वॉच जो है वो निकाल रहा है अच्छा गोल्ड की वॉच निकाल निकाल रहा है ही स्नैप्ड ओपन द कवर और उस वॉच के ऊपर क्या है एक कवर लगा हुआ है उसने ऐसे झटके से उस कवर को खोला अब ब्लैक ग्लैंस्ड एट हिज़ वॉच एंड फ्राउंड जब उसने घड़ी को देखा टाइम को देखा तो उसने फ्राउन किया यानी उसने ऐसे मुंह बनाया कि जैसे कि उसको काफ़ी देर हो चुकी यानी काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया उसका ही वो अ डरबी हेट उसने डरबी हेट पहना हुआ था एक डरबी हेट होता है थोड़ा ऊंचा मतलब एक नॉर्मल हैट आपने देखा होगा एक थोड़ा सा ऊंचा लेवल जैसे मैजिशनस पहनते वैसा हैट ये बेसिकली एटीन और 1900s हंड्रेड में इंग्लैंड में और यू uh, एस में लोग जो है पहना करते थे वो हैट पहना हुआ था अ ब्लैक फोर बटन सूट विद मैनी टाइनी लेपल्स और उसने जो सूट पहना हुआ था वो फोर बटन्स वाला था यानी उसके आगे फोर बटन्स थे और टाइनी लेपल्स लगे हुए थे लेपल जाने के, आपने देखा होगा कई बार लोग सूट के जब पेंट कोट पहनते हैं पहले बहुत ज्यादा होता था अब कम हो गया आ, तो उसमें क्या करते हैं कि कोई रुमाल टाइप चीज जो है वो गले में डालते हैं ऐसे फोल्ड करके उसको कहते हैं लेपल तो उसने टाइनी लेपल्स पहने हुए थे एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मोस्टैज और उसकी मूछी जो हमें मूछे जो हैं वो मोटी मोटी ब्लैक और बड़ी मूछे थी देन आई लुकड अराउंड फिर मैंने इधर उधर देखा एंड सॉ डेट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस लाइक एटीन नाइन्टी समथिंग और जब मैंने इधर उधर देखा तो मैंने ये पाया कि हर कोई ऐसे ही ड्रेस पहने हुए यानी उसने वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे कि अठारह सौ नब्बे के आसपास जो है वो लोग पहनते थे आई नेवर सा सो मनी साइड बर्न एंड फैंसी मुस्टैच इन माई लाइफ मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतनी दाढ़ियाँ और इतने साइड बर्न साइड बर्न जिसको हम बोलते हैं कलम कलम बोलते हैं ना ये हमारे खास करके लड़कों का होता है कि ये साइड पे, फेस पे दाढ़ी के ऊपर इसको जो कलम बोलते हैं जिसको उसको बोलते हैं साइड बर्नस तो एटीन में क्या था कि फैंसी side, sideburns रखने का बड़ा जो है वो एक रिवाज था यानी मोटी मोटी जो है वो कलमें और कट वाली कलें जो हैं आज भी कई लोग बीच में रखते हैं मोटी मोटी कलमें जो हैं वो रखने या कट वाली कलमें रखने वैसी थी एंड फैंसी मोस्टैच इन माई लाइफ और ऐसी फैंसी यानी अजीबो गरीब और अलग अलग स्टाइल की अलग अलग डिज़ाइन की मोछे जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट एक औरत जो है वो ट्रेन के गेट से जो है गुजरी शिवोरा ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स उसने एक ड्रेस पहना हुआ था जिसकी स्लीव जो हैं वो लेग ऑफ मटन थी यानि जैसे कि एटीन नाइन्टीज में जो स्लीव पहनते थे फुल स्लीव टाइप्स उस टाइप की स्लीवस थी एंड उसकी बाजू थी एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफर हाई बॉटम शूज और उसने स्कर्ट पहना हुआ था और हाई बटनड जो है शूज उसने पहना हुआ था हाई बटन शूज यानी उसके जो शूज़ थे उस औरत के उसमें काफ़ी सारे बटन्स लगे हुए थे बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स उसके पीछे जब मैंने नज़र मारी आगे ट्रैक्स पे देखा यानी जो जिसके ऊपर ट्रेन चलती है उस उन पटरियों पे देखा आई कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ अ लोकोमोटिव मैंने एक ट्रेन का इंजन एक ट्रेन देखी अ वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव बड़ी ही छोटी सी लोकोमोटिव थी जो कि कुरियर एंड नाइव्स की कंपनी की थी विद फनल शेप स्टैक और एक फनल की तरह उस पर बना हुआ था यानी उसकी जो आगे मेन पार्ट था स्टैक का वो फनल शेप था फनल यानी जैसे नहीं हम तेल डालते कुपी बोलते हैं जिसको हम तेल डालते हैं तो उसकी जो शक्ल कैसी होती है वो फनल शेप होती है तो उसको बोला ये फनल शेप एंड देन आई न्यू और तब मैं जानता था यानी मुझे समझ आ गई थी कि आखिर ये क्या है To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was The World. The World hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. To make sure, यानी अब यकीन दहानी करने के लिए कि मैं सच में जो समझ रहा हूँ कि एटीन नाइनटीज़ में पहुँच गया हूँ क्या ये सच है या नहीं है ये ये यकीन दहानी करने के लिए आई वॉकड अवर टू अ न्यूज़ बॉय मैं न्यूज़ बॉय की तरफ गया जो मतलब अखबार बेचता था लड़का एंड ग्लैंड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट इस फीट और उसके पाओं के पास जो काफ़ी सारा गट्ठा रखा हुआ था अखबार का उसकी तरफ मैंने देखा इट वॉज़ द वर्ल्ड जो अखबार थी उसका नाम था द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज बीन पब्लिश फॉर ईयर और वर्ल्ड को द वर्ल्ड जो अखबार उसको काफ़ी अर्सा हो गया कि उसको वो पब्लिश नहीं हुआ द लीड स्टोरी सेट सम अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड जो जो उसके ऊपर लीड स्टोरी थी यानी जो फ्रंट पेज की न्यूज थी वो थी कुछ प्रेजिडेंट क्लीवलैंड को लेकर आईव फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स मैंने उसके बाद उस पेज को जो है वो ढूंढा और मुझे मिल गया लाइब्रेरी में इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में

टू गेल्सबर्ग एलिनॉय कहता है टर्न टू वाट टिकट विंडोज मैं टिकट विंडोज की तरफ मुड़ा यानी जहाँ वो जो खिड़कियाँ वो काउंटर्स जहाँ से टिकट मिलती थी उनकी तरफ मुड़ा नोइंग डेट देयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल ये जान ये जानते हुए ये सो, सोचते हुए कि इस थर्ड लेवल के जो विंडो टिकट्स है वहाँ पे आई कुड बाई टेक लुजा एंड मी एनी वेयर जो मुझे और लोईज़ा को वो टिकट्स जो हैं वो कहीं पे भी ले जा सकती हैं यानी मैं वो टिकट्स यहाँ से ख़रीद सकता हूँ जो मुझे और लोईज़ा को कहीं भी ले जा सकती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका में जहाँ हम जाना चाहें वी वॉन्ट टू गो इन द ईयर 1894 और 1894 में जहाँ भी हम जाना चाहें हम यहाँ से जा सकते हैं यानी एटीन में हम कहाँ कहाँ जा सकते थे यानी एनटीन में यू कैसा था जगह कैसी थी ये सारी चीजें हम देख सकते थे एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टिकट गेल्सबर्ग एलेनॉय और मुझे दो टिकट्स चाहिए थी गेल्सबर्ग की जो कि एलेनोए में एलेनॉय एक स्टेट है यूएस की उसमें हैव यू एवर बीन देयर इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस हाउ ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज मीट हेड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स And in 1984, summer evenings were twice as long, and people sat out in their lawns. The men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans, with the fireflies all around, in a peaceful world. To be back there with the first world war still twenty years off, and world war second over forty years in the future, I wanted two tickets for that. अभी हमसे पूछता है क्या हैव यू एवर बीन देयर क्या आप कभी गेल्सबर्ग में इलिनोय में गए गे हो गेल्सबर्ग जो जगह है टाउन है एक जो कि इलिनोय में क्या आप वहाँ गए हो इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल ये एक बड़ा ही हीमदा जो है कस्बा है आज भी विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज जहाँ पे बड़े बड़े मकान हैं फार्म हैं ह्यूज लॉन्स हैं बड़े बड़े लॉन्स हैं बड़े बड़े जो हैं वो मैदान हैं एंड ट्रीमेंडस ट्रीज़ हुज़ ब्रांचिज मीट औरड एंड रूफ द स्ट्रीट्स और बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी ब्रांचिज़ जो हैं वो आपस में मिलती हैं टहनियाँ आपस में मिलती हैं और स्ट्रीट्स के ऊपर <clears throat> यानि जो रोड है रोड या, या गली के ऊपर जो है वो एक रूफ़ का काम करती हैं यानी छत का एंड इन एटीन नाइन्टी फोर समर इवनिंग्स व टवाइस एज लॉन्ग और अठारह सौ चौरानवे में समर इवनिंग जो हैं वो बहुत लंबी होती हुआ करती थी एंड पीपल सेट आउट इन देयर लॉन्स और लोग जो हैं वो बैठते थे अपने लॉन्स में अपने घर मे, के आगे जो लॉन होता है छोटा सा मैदान बनाया होता है ना घर के आगे वो लॉन द मैन स्मोकिंग एंड टॉकिंग क्वाइटली मर्द क्या करते थे कि वो सिगार स्मोक करते थे जो कि हेल्थ के लिए वैसे तो अच्छी बात नहीं है बहुत ही मुजिर है और आहिस्ता आहिस्ता बातें करते थे द वीमन वेविंग पाम लीफ फैंस और वीमन क्या करती थी औरतें यह करती थी कि वो पाम लीफ फैंस यानी पाम लीफ क्या हो गया पाम हो गया जैसे खजूर होता है ना तो खजूर भी पाम की ही जैसे डेढ़ पाम बोलते हैं उसको पाम की ही एक जैसे खजूर का पत्ता है वैसे मान लो खजूर के पत्तों के जो पंखे बने हुए थे थे वो वेव करते थे वो हिलाती थी यानी काफ़ी क्योंकि काफ़ी गर्मी हुआ करती थी विद द फायर फ्लाइज़ आलराउंड और फायर फ्लाइज यानी एक टाइप की खियाँ जो खास करके गर्मियों में होती हैं वो इर्द गिर्द घूमती रहती थी इन अ पीसफुल वर्ल्ड और कितना ही पीसफुल वर्ल्ड था कितना ही शांति वाला कितना ही सुकून वाला वर्ल्ड था टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार्टिल ट्वेंटी ईयर्स ऑफ वहाँ पर जाना गेल्सबर्ग में उस टाइम पर जाना जबकि अभी भी बीस साल हैं वर्ल्ड वार फस्ट को होने को एंड वर्ल्ड वार सेकेंड अवर फोटी ईयर्स इन द फ्यूचर और वर्ल्ड वार सेकेंड जो है उसको अभी चालीस साल हैं होने में आई वानटि टू टिकट्स फॉर देट मैं चाहता था वहाँ की दो टिकट्स कहने का मतलब ये है कि ये जंग जो हुई वर्ल्ड वार फस्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड उससे जो है इतनी बेसकूनी पैदा होगी और इतना मायूसी पैदा हो गई इतना दुख और सब कुछ हो गया इतनी फिक्रमंदी होगी सबको कि डायटर ये चाहता है कि काश जो है वो मुझे टिकट्स मिल जाएँ अठारह की अठारह में, में जाने की कि मैं वापस उस वक्त में जा सकूं जब गेल्सबर्ग में जो है ऐसा सुकून का माहौल होता था लोग अपने जो है लॉन में बैठा बैठ के बातें किया करते थे पंखे जो हैं वो जुलाया करते थे और कितना ही सुकून भरा कितना ही खामोशी वाला जो है वो दौर होता था काश ऐसा होता कि मैं वापस वहाँ चला जाता ठीक है और इसलिए वो चाहता है कि उसको दो टिकट्स मिले क्योंकि वो अपनी वाइफ लोईजा को भी लेके जाना चाहता है तो आज के लिए इतना ही आई होप आपने इंजॉय किया होगा इस लेसन को नाउ आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड नो देर मीनिंग्स एंड आल्सो यू इफ यू डोंट गेट देर मीनिंग देन आस्क मी एंड ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू रीड दिस पेज एंड द पेजि बिफोर दिस वंस और ट्वाइस ताकि आपको अच्छे से जो है वो इसकी प्रैक्टिस हो जाए पढ़ने की तो आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़